Good morning to all of you. My name is Ayush Lahiri and welcome back to my channel Medical Aid. Today we are going to start the first unit of Fundamental of Nursing in JNM first year. So let's start it. First unit ka naam hai Introduction of Nursing. Ab main aapko introduction dunga ki nursing profession ki shuruaat kaise hui, nursing ka matlab kya hai aur nursing mein kya kya cheeze hoti hain. Florence Nightingale. She was the first nurse in the world. ये पूरी दुनिया में पहली नर्स थी जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत की थी. इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था. यहाँ पे आपको इनकी एक पिक्चर दिख रही होगी. ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने फर्स्ट नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत की थी. फुल फॉर्म ऑफ नर्सिंग एंड फॉर नोबल और नॉलेजेबल और नर्चर. इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, तो मैं उन्हीं उन्हीं वर्ड्स को लूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके. जैसे एंड फॉर नॉलेजेबल. नॉलेजेबल का मतलब जो नर्स होती है वो फुल्ली नॉलेजेबल होती है अपने हर काम को लेके, चाहे वो किसी भी टाइप की डिसीज हो और चाहे किसी भी टाइप की मेडिसिन. यू फॉर यूजफुल एंड यूनिवर्सल. यूजफुल का मतलब है जो नर्स होती है वो यूजफुल होती है अपने पेशेंट और अपने कलीग्स को लेके. आर फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सफुल. रिस्पॉन्सिबल का मतलब जो नर्स होती है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होती है अपने काम को लेके. वो अपने काम में एडजस्टमेंट नहीं करती, वो अपना काम हर टाइम सही करती है और अप टू डेट रखती है. एस फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपैथी एंड स्मार्ट. सिंप्लिसिटी, जो नर्स होती है वो एक सिंपल वर्कर की तरह काम करती है अपने हॉस्पिटल के अंदर और अपने पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. ई फॉर एफिशिएंट, एलिजिबल एंड एजुकेटेड. एजुकेटेड का मतलब है जो हमारी नर्स है वो फुल्ली एजुकेटेड होती है हर डिसीज को लेके और उसके क्योर, केयर, पोजीशंस और मेडिसिन को लेके. व्हाट इज नर्सिंग, मतलब एक नर्स क्या होता है एज अ जनरल वे. अ पर्सन ट्रेन टू केयर फॉर सिक एंड इन्फर्म स्पेशली इन द हॉस्पिटल. इसका मतलब ये है कि जो नर्स होती है वो एक ऐसी पर्सन होती है जिसको ट्रेन किया जाता है सिक और इन्फर्म लोगों की केयर करने के लिए, स्पेशली इन हॉस्पिटल, मेनली हॉस्पिटल के अंदर. बहुत बार आपको ये कन्फ्यूजन हुई होगी कि जो नर्स होती है वो सिर्फ एक फीमेल होती है, बट ऐसा गलत है. नर्स होना दोनों सेक्स के लिए इक्वल बात है. जैसे मेल और फीमेल दोनों ही नर्स बन सकते हैं. मेल और फीमेल दोनों नर्स की अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम ऐसे जज नहीं कर पाते कि एक फीमेल ही नर्स बन सकता है. मेल की भी उतनी ही रेपुटेशन और उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है हॉस्पिटल के अंदर एज अ नर्स. हाउ द नर्सिंग वॉज स्टार्टेड. अब हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत हुई कैसे. मैंने आपको बताया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत की थी, तो अब हम इन्हीं की बायोग्राफी थोड़ी सी लेंगे. फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और कहाँ पे, फ्लोरेंस इटली में. इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, वहां पर इनका जन्म हुआ था. क्रेनियम वॉर, ये वो वॉर थी जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बुलाया गया था वहां के आर्मी के सोल्जर की हेल्प और उनकी केयर करने के लिए. जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां के जो आर्मी टेंट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी. आर्मी के जो वार्ड्स थे उनकी बहुत गंदी सिचुएशन थी,
उसने सोचा कि गॉड ने उनको बुलाया है वहां पे फॉर मिशन ऑफ मर्सी, बचाने के मिशन में। उसने वहां के जो भी वार्ड्स थे वहां पे फ्रेश एयर का प्रबंध करवाया, डायरेक्ट सनलाइट और क्लेनलीनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया और वहां के एनवायरमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के प्रयास किए। द लेडी विद द लैम्प, इस नाम से जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगल थी वो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि वो रात में लैंटर्न के साथ अपने पेशेंट्स को देखती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज नर्सिंग। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारी नर्सेस थी जिन्होंने केयर प्रोवाइड करी और अपनी डेफिनेशंस भी थी कि वो क्या सोचते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। तो फर्स्ट तो हमारी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हमेशा से, तो हम इन्हीं की ही लेंगे। हियर यू कैन सी दैट देयर इज मैनी राइटर्स हु रोट द नर्सिंग डेफिनेशन। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स डेफिनेशन विच शी गिवन इन 1859 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू पुट द पेशेंट इन टू बेस्ट कंडीशन ऑफ नेचर टू एक्ट अपॉन हिम प्राइमरली बाय ऑल्टरिंग द एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो नर्स होती है उसका गोल ये होता है अपने पेशेंट को बेस्ट कंडीशन में लाना नेचर के अकॉर्डिंग और उसके एनवायरमेंट को अच्छे से अच्छा बनाकर उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये थी नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एग्जाम में बहुत आती है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आईएनसी स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ वही वही पार्ट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो पार्ट नहीं बताऊंगा जो मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन नर्सिंग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की डेफिनेशन है तो आप इसको अपने आप पढ़िएगा क्योंकि ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। इमान मारिया, ये भी एक नर्स थी जिन्होंने नर्सिंग डेफिनेशन लिखी थी। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कभी भी आपको WHO की फुल फॉर्म पूछी जाए एग्जाम्स में तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं। इसने भी ये नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी। पूरे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनकी डेफिनेशन को सबसे ऊपर माना जाता है और वही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा आती है तो आप उसी की डेफिनेशन को लीजिए और अगर आप अदरवाइज लेना चाहें तो आप WHO की डेफिनेशन ले सकते हैं। ये देखिए ये रही फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन ऑन नर्सिंग। Now, here is a short note. ये note मैंने आपको पहले पढ़ाया था but इस बार मैं इसको थोड़ा elaborate करूँगा। She से मतलब है यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत फेमस हुई थी क्योंकि वो अपने नाइट राउंड मतलब रात के टाइम पे वो राउंड लगाती थी लैंटर्न के साथ यानी लालटेन के साथ। शी मेड हर टूर फॉर हर इंस्पेक्शन, वो अपने टूर को मतलब जो वो घूमती थी पूरे एरिया में वो अपने इंस्पेक्ट करती थी सारे पेशेंट्स को विद फ्रेंडली वर्ड्स के साथ
एंड अ स्माइल फॉर अदर, और अपने फेस पे स्माइल रखती थी और अपने फ्रेंडली वर्ड्स को रखती थी अपने पास, और तब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती थी. इसी वजह से दैट्स व्हाई शी वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प. इसीलिए वो इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, द लेडी विद द लैम्प. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लैंटर्न लेके यानी लालटेन लेके बैठी हुई है और अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है और उनकी केयर, उनको केयर प्रोवाइड कर रही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी और मेथड से पढ़ना है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट में बता सकते हैं. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी और एनीवन, सो यू कैन फ्री टू टेल मी. सो थैंक यू.